और योगी सरकार का एक और बड़ा फैसला हुआ है, गोमती रिवर फ्रंट घोटाले की अब सीबीआई जांच हो सकती है। कार्रवाई के लिए जो समिति गठित की गई थी उसकी सिफारिश को आधार बनाकर यह कार्रवाई की जा सकती है। 15 जून तक सीबीआई जांच की सिफारिश सरकार कर सकती है। सुरेश खन्ना की अगुवाई में 4 सदस्यीय कमेटी गठित हुई थी। कार्रवाई समिति न्यायिक समिति की रिपोर्ट को आधार बनाया जाएगा। गोमती रिवरफ्रंट घोटाले को लेकर योगी सरकार बेहद सख्त नजर आ रही है। योगी सरकार की तरफ से इस पूरे घोटाले को लेकर सीबीआई जांच की सिफारिश की जा सकती है। ये सिफारिश जो 3 सदस्यीय न्यायिक समिति का जो गठन हुआ था, रिटायर्ड जस्टिस आलोक कुमार की अगुवाई में ये समिति का गठन हुआ था और 20 मई को इस न्यायिक समिति ने अपनी जांच रिपोर्ट जो सरकार को सौंपी थी और उसमें साफ तौर पे कहा गया था कि गोमती रिवर फ्रंट में हर स्तर पे घोटाला हुआ और इसके लिए सिंचाई विभाग के जो आला अधिकारी हैं और अखिलेश सरकार के पूर्व मंत्री वो उनको जिम्मेदार बताते हुए इस रिपोर्ट में बातें लिखी गई हैं। तो साफ तौर पर कड़ी कार्रवाई की सिफारिश इसमें की गई। तो इसको देखते हुए योगी सरकार की तरफ से एक और समिति का गठन किया गया है। सुरेश खन्ना जो कैबिनेट मंत्री है उनकी अगुवाई में ये समिति कार्य करेगी। 15 जून से पहले ये जो समिति अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट देगी और जो जानकारी अब तक निकल के सामने आ रही है उसके मुताबिक जो है जो ये समिति है 15 जून से पहले सीबीआई जांच की सिफारिश की बात अपनी रिपोर्ट में कर सकती है। तो योगी सरकार की तरफ से गोमती रिवरफ्रंट घोटाले की सीबीआई जांच की कराई जा सकती है और अगर ऐसा ये जो संभव होता है समिति की तरफ से रिपोर्ट जो दी जाती है तो जो आला अधिकारी सिंचाई विभाग के जो इससे जुड़े रहे पूरे घोटाले को लेके और पूर्व मंत्री उनके लिए उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि अखिलेश सरकार की बेहद महत्वाकांक्षी परियोजना थी गोमती रिवरफ्रंट और इसको लेके बड़े बड़े दावे किए गए थे। ऐसे में सीबीआई जांच होना न सिर्फ अधिकारियों और नेताओं के लिए परेशानी का सबब रहेगी बल्कि इस पूरी परियोजना से जुड़े जो दावे थे उनकी पोल भी खोलेगी। लखनऊ से कैमरामैन अमित सानी के साथ हरेंद्र चौधरी, समाचार प्लस। और गोमती रिवर फ्रंट से जुड़ी एक और बड़ी खबर, सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह का बयान आया है। गोमती रिवर फ्रंट परियोजना घोटाले की योजना है, सीएम योगी के पास पहुंची है भ्रष्टाचार की फाइल। धर्मपाल सिंह ने ये बातें कही है, ये परियोजना ही भ्रष्टाचार की थी। सिंचाई मंत्री ने कहा है 100 करोड़ का फव्वारा करना पड़ेगा वापस, फव्वारे को नहीं करना पड़ेगा नीलाम, ये भी उन्होंने कहा है। सीबीआई जांच के बारे में सीएम फैसला करेंगे, सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह ने ये बातें कही है।